आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। भिंड साइबर पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए पिछले 6 महीने में गुम हुए 101 लोगों के मोबाइल बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा लोगों को उनके मोबाइल वापस किए गए। मोबाइल वापस पाकर लोग बेहद खुश नजर आए। जिनके मोबाइल गुम हुए थे उनके सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, शिक्षक, पुलिसकर्मी, छात्र आदि शामिल है। दरअसल पुलिस अधीक्षक भिंड शैलेंद्र सिंह चौहान को मोबाइल गुम होने संबंधी आवेदन लगातार प्राप्त हो रहे थे। पुलिस अधीक्षक भिंड द्वारा उक्त आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई कर उन्हें ट्रेस करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपूसे को निर्देशित किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर सेल टीम को जिला भिंड में गुम हुए मोबाइलों को ट्रेस कर शीघ्र बरामद करने के लिए लगाया गया। इसके बाद साइबर सेल टीम ने सेलफोन गुम संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए विभिन्न कंपनियों के मोबाइलों को ट्रेस कर बरामद करने में सफलता प्राप्त की। साइबर सेल ने माह जनवरी में से अप्रैल तक गुम हुए लगभग 15,50,000 रुपये कीमत के 101 मोबाइलों को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कई राज्यों से बरामद किया गया। मोबाइल बरामद करने के बाद पुलिस द्वारा उनके मालिकों को कॉल कर बुलाया गया और पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने खुद मोबाइल उनके मालिकों को दिए। अपना खोया हुआ मोबाइल वापस पाकर लोग बेहद खुश नजर आए। उन्होंने पुलिस को दिल से धन्यवाद दिया। कुछ लोगों ने तो मिठाई भी खिलाई। जिन लोगों को मोबाइल लौटाए गए उनमें से कुछ आवेदक ऐसे भी हैं जो मोबाइल दोबारा खरीद ही नहीं पाए और वे बोले, जब आज साइबर सेल द्वारा मेरा मोबाइल खोजकर वापस किया गया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भिंड शहर की एक गृहिणी द्वारा बताया गया कि मेरा मोबाइल बाजार में गुम हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, परंतु आज साइबर सेल टीम द्वारा मुझे बुलाकर मेरा मोबाइल खोजकर वापस किया गया, मुझे बड़ी खुशी हुई है। कई लोगों के जो मोबाइल गुम हुए थे उनके द्वारा समय समय पर अपने गुम मोबाइल से संबंधित आवेदन पुलिस को दिए गए थे। उन आवेदनों की जांच पे और उसको समय समय पर ट्रैकिंग जो है वो साइबर की टीम के द्वारा जो की गई, उसके आधार पे जो मोबाइल स्कीम है वो उपयोग में आए, उनकी जानकारी मिली है उसको, तो उनको पुलिस ने विभिन्न जगहों से जो है उनको जाके बरामद किया और काफ़ी समय से इस प्रयास को कंटिन्यूस करते हुए आज हम लोगों ने आज की डेट में करीब 101 मोबाइल जो विभिन्न जगहों से विभिन्न लोगों के हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं, वो आज उनके जो संबंधित व्यक्ति हैं जिनके वो मोबाइल थे उनको आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा एक प्रयास है, आने वाले समय में जो हमारे पास अभी और आवेदन लंबित है उनमें ये यही प्रयास करेंगे कि उनको अधिक से अधिक खोज कर उनके संबंधित मोबाइलों को वापस लाएंगे। मोबाइल पकड़े गए हैं सर, क्या कार्रवाई है सर? ये पूर्व में कई फरियादियों के द्वारा उनके जो मोबाइल गुम हुए थे उसके संबंध में आवेदन दिए गए थे, उन्हीं आवेदनों की जो है समय समय पर पुलिस के द्वारा जांच की गई और उसको मॉनिटरिंग पर लिया गया। जैसे जैसे मोबाइल जहां पर भी खोए थे उसके बाद जहां जिसको मिले उनके द्वारा जब चालू किया गया और पुलिस को उसकी जानकारी मिली तो विभिन्न क्षेत्रों से पुलिस ने वो मोबाइल्स वापस रिकवर किए और उनको लाकर यहाँ पे जो उनके मेन ओनर थे, मालिक थे, उनको वापस उनको सौंपे गए हैं। ऐसे करीब 101 मोबाइल, यानी करीब अनुमान की मतलब 15 लाख रुपये के आसपास है, ऐसे 101 मोबाइल हम लोगों ने अलग अलग जगहों से जब्त किए हैं। इसमें न केवल मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र ऐसे अन्य राज्यों से भी हम लोगों ने मोबाइल ला कर यहाँ पर बांटे हैं। लोग लगभग आस खो बैठते हैं सर मोबाइल जब उनका खोता है, लेकिन भिंड पुलिस ने उनके ये मोबाइल दिलवाए हैं सर, तो लोगों को काफ़ी खुश है सर। देखिए कई बार क्या है कि पुलिस की इतनी व्यस्तता रहती है, इतने सारे अपराध विभिन्न प्रकार के होते हैं और लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं, इसमें चलते हुए मोबाइल जो गुम हो जाता है वो कई बार पुलिस उसमें संसाधनों की सीमित उसकी वजह से ध्यान नहीं दे पाती है, किंतु यहाँ पे इस शिकायत को गंभीरता से लिया जाकर इसको देखा गया और इसमें रिकवरी की गई और निश्चित तौर पे लोग, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, उनको वो भी एक उम्मीद छोड़ चुके थे कि उनका मोबाइल वापस मिलेगा, किंतु हमारे प्रयास से जब उनका मोबाइल वापस मिला तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर वो इस बात से प्रसन्न हुए और उनको संतुष्टि हुई इस कार्रवाई। सर लोगों का मोबाइल उनके हाथ में सुरक्षित रहे इसके लिए क्या? देखिए मोबाइल अपना आपको संभाल के रखना चाहिए और उसमें अपना लॉक वगैरह प्रॉपरली लगा के रखना चाहिए, उसका निश्चित निर्धारित तौर पर उपयोग करना चाहिए। सर्वप्रथम तो ये प्रयास करना चाहिए कि आप सावधानी पूर्वक करें जिससे कि वो गुम ना हो, और यदि किसी तरह से गुम हो जाता है तो आपका जो डेटा है उसमें काफ़ी व्यक्तिगत डेटा आजकल रहता है तो वो सुरक्षित रहे, जिसका कोई व्यक्ति दुरुपयोग ना कर सके।